नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। एंड ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो हमारा कलर भी टीच कर सकता है। तो कई बार हमारी मशीन में ऐसी एप्लीकेशन होती है, जैसे कोई पेपर है, हमें उस पेपर का कलर टीच करना होता है, तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए ये वाला सेंसर बड़ा ही बेस्ट सेंसर है। और भी कई कंपनीज के सेंसर आते हैं तो जो हमारा कलर को रीड कर सकते हैं, तो ये हमारा कलर रीडेबल सेंसर है। तो वैसे इसकी टेक्नोलॉजी जो होती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है फ्रेंड्स, एंड मेक यहाँ पे इसका है पैनासोनिक। एंड जो ये काम करता है, यहाँ पे ये देखिए, ये इसका इसके अंदर सेंसर है, ये ग्लास है, तो इसके अंदर एक सेंड एक रिसीवर लगा होता है, एक इसमें लाइट सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है। अगर आपने कम रेंज का सेंसर लेना है, जैसे कि आपकी जो रेंज है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंस करवाना है, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, यहाँ तक सेंस करवाना है, तो उसका लाइट सोर्स जो रहेगा LED रहेगा। एंड अगर आपने 2 मीटर 4 मीटर दूर से सेंस करवाना है किसी चीज़ को, तो उसका जो लाइट सोर्स रहता है वो लेज़र वाला रहता है दोस्तों। तो इसमें लाइट सोर्स LED है एंड इसका मेक यहाँ पर है पैनासोनिक। उसके बाद इसका मॉडल नंबर आप यहां देख सकते हैं LX101Z। एंड जो सप्लाई वोल्टेज है इसको दे सकते हैं 12 से 24 वोल्ट DC। तो इसके कलर जो हैं, उसकी वायर के बारे में बताया गया है, जो ब्राउन है इसका 1 नंबर है वो पॉजिटिव है, एंड ब्लू है इसका 0 वोल्ट, एंड जो ब्लैक है इसका आउट है, एंड पिंक है इसका इन दोस्तों। तो जो हम इसमें आउटपुट है तो वो यहाँ पे ब्लैक में मिलेगी एंड वो NPN टाइप में मिलेगी। एंड इसमें दो टाइप के सेंसर होते हैं दोस्तों, एक NPN, एक PNP और एक यूनिवर्सल भी होता है। उसमें आप NPN एंड PNP दोनों तरीके की वायरिंग है जो कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। सिंपली जो मैं अगर बात करूँ, जो NPN सेंसर है वो हमें नेगेटिव आउटपुट देगा एंड जो PNP सेंसर है वो हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई की DC की आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंसर यहाँ पे देखिए माउंट कर रखा है, डबल टेप लगा के जस्ट मैंने यहाँ पे इसको होल्ड कर रखा है, ये देखिए नीचे ये अभी ऑन है। एंड यहाँ पे ये केबल देखिए, इसकी केबल, उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए ब्लू एंड ब्राउन वायर को मैंने सप्लाई दे रखी है। यहाँ पे देखिए SMPS ऑन है, 23.7 यानी कि 24 वोल्ट DC जो इसे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर कुछ बटन दिए गए हैं एंड सेटिंग है, यहाँ पे LED वगैरह जो डिस्प्ले है इसकी डिस्प्ले आती है। एंड ये वाला LED जो रहेगा ये आउटपुट को शो करेगा दोस्तों, जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हमने इसको टीच करा दिया, अगर वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कलर का ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा जो सेंसर है इसका LED ग्लो करेगा एंड हमें क्लियर पता चल जाएगा जो हमारा जो है सेंसर ऑन हो चुका है। अभी देखिए, आज मैं ओनली इसको टीच कराने की वीडियो बना रहा हूँ कि इसको टीच कैसे करते हैं, और भी इसमें कई फंक्शन है उनके बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करना तो इसके बारे में और डिटेल में मैं वीडियो आपको बताऊंगा। तो इसमें डिस्टेंस वगैरह कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं वो सारा, तो आज बात करेंगे इसको टीच कैसे करना है, तो उसके ऊपर दो एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिए हैं, ये देखिए एक रेड पेपर है मेरे पास, यहाँ एक ब्लू पेपर है, तो हम 1 by 1 एक एक पेपर को टीच करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर हो गए, एक ये रेड हो गया, एक ब्लू हो गया और एक यो ये जो हमारा सनमाइका है ये येलो कलर का है, हल्का हल्का येलो, तो एक ये हो गया। इसमें 2 तरह की टीचिंग होती है, एक जिसको हमने टीच नहीं करवाना है, जो हमें नहीं चाहिए, जिसपे हमें 0 चाहिए, और एक जिसको हमने टीच करवाना है वो 1 हो जाएगा, तो जो 1 हो जाएगा वहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगी। तो अभी इसको टीच कराते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले मोड प्रेस करना है, ये देखिए मोड प्रेस करके ये LED टीच पे आ जाएगा। तो अभी ये तो फ्रेंड्स हमारा LED है जो टीच के ऊपर आ चुका है, एंड अभी हमने जस्ट
एंटर प्रेस करना है। ये देखिए फर्स्ट जो टीचिंग है इसकी कंप्लीट होगी। एक बार एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए फर्स्ट हो गया और सेकंड के लिए मांग रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने इसको टीच कराना है जो वाला कलर, तो हम पहले रेड कलर को, ये देखिए नीचे ये बीम आ रही है, बीम के नीचे एंटर करेंगे। ये देखिए अब बीम रेड कलर के ऊपर आ रही है, तो इस तरह से मैंने इसके अंदर कर दिया। और अभी हमने सेलेक्ट कर देना है, तो ये वाला कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड ये गुड आ गया एंड हमारा ये कलर दोस्तों टीच हो चुका है। तो अभी मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे इसको हम एंटर करेंगे ये आ जाएगा। ये देखिए अभी हमारा ये रेड कलर को टीच कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की एप्लीकेशन कई होती है। ये देखिए जैसे ये हमारा ये वाला पेपर है इस तरह से, तो ऐसे कई पेपर हमें टच जो है हमें टीच करवाने पड़ते हैं। तो इसमें जैसे अलग अलग कलर हैं, एक वाइट आ गया, तो किसी को भी टीच करा के हमने कोई भी मार्क यहाँ पे प्रिंटिंग करवानी है, ऐसी कोई एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पे ये सेंसर है जो काम करते हैं। ये देखिए अभी ये रेड कलर को रीड कर रहा है अपने। अभी मैं ब्लू करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ब्लू को ये रीड नहीं कर रहा। ये देखिए जो हमने इसको टीच कराया वही वाला कलर जो है उसको रीड करेगा दोस्तों। ये देखिए तो अभी आपको एक बार मैं ब्लू कलर फिर टीच करा के दिखाता हूँ। ये देखिए तो सिंपल वही प्रोसीजर रहेगा, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। आप इसको अगर आपकी कोई मशीन है कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया सेंसर है। तो अभी देखिए फिर मैं दोबारा मोड प्रेस करूँगा। ये देखिए अभी हम दोस्तों ब्लू वाला जो कलर है इसको रीड करके देखेंगे। तो वही प्रोसीजर है सिंपल हमारा, मोड प्रेस करेंगे। तो मैं मोड प्रेस कर रहा हूँ, एक बार फिर मोड प्रेस करेंगे। अभी हमारा एलईडी टीच पे आ चुका है, तो जस्ट इसे एंटर कर देंगे। तो ये मैंने एंटर कर दिया एंड अभी सेकंड हो जो हमने कलर करना है, तो इस बार ब्लू कलर करेंगे। तो ब्लू कलर को इसके नीचे कर देते हैं, तो ये इसको नीचे कर दिया एंड अभी हम दोस्तों इस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट प्रेस करेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट प्रेस कर दिया। तो ये देखिए एलईडी हमारा ग्लो हो रहा है एंड ये हमारा जो कलर है वो टीच हो चुका है। तो अभी ये देखिए ये वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अभी कोई और कलर करेंगे। ये देखिए ये नहीं वर्क कर रहा। तो इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपने कम से कम रखना है अगर ये इसको यूज कर रहे हैं। ज़्यादा डिस्टेंस में ये जो वाले सेंसर हैं ये काम नहीं करते, तो माल फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस जितना है, अगर कंपनी इसका डिस्टेंस 10 mm कह रही है, तो आपने 10 mm के अंदर अंदर ही इसको जो है सिलेक्ट करना है, टीच करवाना है। ज़्यादा आप इसको मतलब दूर से टीच नहीं करवा सकते, नहीं तो फिर माल फंक्शनिंग करेगा ये। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो, फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर जो हमारा कलर टीच कर सकता है उसके ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।